Alright guys, a very warm welcome. As you can see at the backdrop, we guys are going to talk about a very very special occurrence 150 days. You guys have been wanting this video. Now, I'm not going to talk about the Baba gyan here. You have enough of it from multiple sources. We'll talk very precise to the point so that it actually becomes a roadmap and you can start implementing it. Implementation is the key. So before wasting any further time, pehle, comment, karo, are you full on ready? How's the Josh?

इज नथिंग कॉल्ड जीरो टू नाइनटी नाइन परसेंटाइज अगर आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं उस बंदे को फॉलो करना बंद कर दो उस कोर्स को छोड़ दो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं नथिंग भाई आई आई टी जय है मजाक नहीं है जीरो टू नाइनटी नाइन परसेंट इन डेढ़ सौ डेज तो कोई भी तैयारी कर ही नहीं रहा होता ना इलेवन ट्वेल्थ में अगर हर चीज एक सौ पचास दिन में हो जाती पर परसो पचास दिन में वॉट वी कैन इफेक्टिवली डू लेट्स टॉक अबाउट दैट सो वन फिफ्टी डे रोड मैप लेट्स टॉक अबाउट

हमेशा हम लोग प्लानिंग करते हैं अपने बेस्ट के सिनेरियो को लेके कि मैं पढ़ना शुरू करूंगा मैं पढ़ता ही रहूंगा एंड आई विल एग्जीक्यूट वेयर एज यू नो योर सेल्फ यू कैन गेट सिक दे वुड बी ब्रेक्स इन बिटवीन यू माइट नॉट हैव दी इनफ मोटिवेशन टू वर्क यू माइट नॉट हैव इनफ सुटेबल इन्वायरमेंट टू वर्क टूवर्ड्स द टारगेट दैट यू हैव अचीव यू नो हैव सेट अप इन द माइंड तो प्लीज बी रेडी एंड द जेई मेन इज इन जनवरी द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट्स फॉर श्योर

और अब मैं हो सकता है आप लोगों की डिमांड पे इसको हर महीने बनाऊं क्योंकि अब एक एक दिन कीमती है ना हैड वन ईयर कंप्लीट राइट नाउ फाइव एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम सेप्टेंबर यू है पहुंचोगे एक सौ बीस नवंबर पहुंचते ही नब्बे इस तरीके से बड़ी स्पीड से अब आपके नंबर ऑफ डेज लेफ्ट वुड चेंज एंड योर प्रायोरिटी Hence, your planning would change. Right? Starting from here, अब एक चीज करनी है यार कोई ब्रेक नहीं लेना है। मतलब आपको दिवाली ब्रेक दशहरा ब्रेक फलाना ढमकाना ब्रेक शादी ब्रेक नहीं है भाई टाइम नहीं है नहीं तो छोड़ दे पढ़ाई छोड़ आई विल वेरी कट थ्रोट एंड क्लियर बॉयफ्रेंड नाराज है गर्लफ्रेंड नाराज है ये इशूज चल रहे हैं वो इशूज चल रहे हैं पढ़ाई छोड़ दो आई टी जी नहीं होगा यार कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर देट मैटर क्लियर नहीं होगा बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम है है ना ये याद आ रही होगी हमने कहा था भाई किसी भी तरीके से कोशिश करके 97 सेवन परसेंटाइल तो बनाओ हर किसी की 99 नहीं आ सकती है तुम्हें पता है ना बात 99 नाइन परसेंटाइल वो सोलह हज़ार बच्चे हैं अगर फिर से मान लेते हैं चौदह लाख या सोलह लाख बच्चे पेपर देते हैं कितने भी देते हैं तो पंद्रह हजार बच्चों की आनी है हर बच्चा पंद्रह हज़ार में नहीं आ सकता है तो यार नाइन्टी तो बनाओ पहले जैसे कॉन्फिडेंस दो कि अब मैं अगर चालीस में आ गया हूं तो मैं पंद्रह या पाँच में भी आने के काबिल हूँ बट नहीं ड्रॉपर्स भी यही सेम गलती है भैया टाइम जा चुका है आ चुका है अभी भी ड्रॉपर्स पूछते हैं सर जीरो सो हीरो अब साले तेरा कुछ नहीं होने वाला मैं कई कई बार मन करता है सामने खड़े हो तो तुझसे तो पहले पिटाई करी जाए तूने इतना लेट क्यों करा और तू इतना भैया सवाल कैसे पूछ सकता है मैं जीरो टू हीरो बन जाऊं और फिर तुम ऐसे ही लोगों को फॉलो करोगे ट्रैप में भी फंसोगे नाइन्टी सेवन ही बहुत हाई है अगर तुम जीरो टू हीरो की बात कर करो नाइन्टी सेवन भी नहीं बनेगी लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए पहला टारगेट वो होना चाहिए अगर आप अभी जीरो पे हो स्पेशली ड्रॉपर्स कान खोल के सुन लो कड़वी बात है बट बेचना है तो बेचने को तो बोल सकते हैं हाँ भाई जीरो टू हीरो बन जाओगे डेढ़ सौ दिन में एक काम करो पी की उठा लो मैथ्स का पता चल जाएगा पता चल, जाएगा। पता चल जाएगी रियलिटी सॉल्यूशन देखे बगैर सॉल्व कर लो दस क्वेश्चन रियलिटी समझ में आ जाएगी बट टारगेट स्टिल इफ यू है ना तो अब देखो हम बार बार बोलते हैं सर, दो हजार 2024 का स्टैटिस्टिकल डेटा देखें ऑन एवरेज एवरेज स्कोर ऑफ ऑल शिफ्ट्स 99 परसेंटाइल 99 के स्कोर पे गई अप्रैल में जो ऊपर है वो अप्रैल नीचे जो है वो है आपका 190. ये मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है अगर तुम में से कई लोगों ने जो नए हैं जिन्होंने जेई मेन मे एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है पूरा डिटेल चिट्ठा बताया है तो ये प्रूवन है और मैंने ये प्रूव करा है कि ये तीन चार साल में कंसिस्टेंट है कि जनवरी में 20 नंबर का आप डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी से अप्रैल में 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं कई कई बार अभी तो यहां 10 ही बढ़े हैं पर पिछले साल जाओगे तो आपको 20 मार्क्स तक का डिफरेंस दिखता है और वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है मीडियम हाईएस्ट लोएस्ट बड़ा सारा वेरिएशन है बट ऑन एन ऑनेस्ट नोट जनवरी जो कि येलो लाइन है इज इजियर टू स्कोर क्योंकि बात है बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड है लात पड़ चुकी होती है गलती रियलाइज हो चुकी होती है माय टारगेट इज टाइम टू बिकम सीरियस एंड वाई टू वेट कि मेरे को जब लात पड़ेगी मैं तभी सुधरूंगा क्यों करना है ऐसा काम तो टाइम टू गेट रियली रियली सीरियस नाउ सो व्हाट यू रिक्वायर इज कमिटेड वो रिलेशनशिप वाला नहीं पढ़ाई की तरफ कमिटेड है ना सीरियस होना है, मजाक नहीं गेट सक्सेसफुल इन लाइफ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा प्रैक्टिकल मतलब हम कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे बताऊंगा इस वीडियो में यह बात वो नहीं चलेगा आप कितना कर सकते हो पहले वो सोचो दूसरा बंदा टॉपर वो डेढ़ो दिन में नाइनटी नाइन निकाल गया जरूरी नहीं है ना तुम निकाल जाओगे तुम्हारा और उसका स्किल सेट अलग है तुम्हारे यहां उसका एनवायरमेंट अलग है उसका और तुम्हारा फोकस अलग है उसका बेस लेवल कितना कितना है कितना है है तुम्हारा वो फर्क जस्ट डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर जो ये फोमो है ना रील देख देख के कि उसने निकाल लिया मैं भी कर लूंगा उसने निकाल लिया मैं भी कर लूंगा नहीं होती है रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है तो नो लेजीनेस नो ब्रेक्स लिटरली नो ब्रेक्स बच्चों अब अब नहीं ले सकते हो दिवाली ब्रेक भी नहीं है तुम्हारे लिए एक साल आप दिवाली सिर्फ एक पूजा करके निकल जाओ दिवाली का मतलब क्या है यू हैव टू प्रे प्रे करा निकल गए मस्ती अगर अगले साल मान लोगे ना भाई तो दिवाली अगले साल एक्चुअल में मस्ती के साथ बनाओगे नहीं तो अगले साल भी यही वीडियो देख रहे हो अब तुम डिसाइड कर लो ठीक है एंड नो रेंडमनेस स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए ड्रॉपर को लगता है मैं तो अभी भी यूट्यूब से पढ़ लूंगा वन शॉट देखूंगा नंबर बनाऊंगा यार ये गिनने चुने लोग कर पाते निन्यानवे परसेंट ड्रॉपर कंफ्यूज घूमता है उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया मेरे को तो ग्यारहवीं बारहवीं में अबे इतना कुछ सीख लिया था तो ड्रॉप काहे करा आपको नहीं आता है कुछ भी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रेंडमनेस की बारह बारह घंटे के मैराथन में बैठ जाओगे टीचरों से डिमांड करोगे सर पढ़ा दो हमें पढ़ा दो अबे खुद पढ़ने से रैंक बनती है टीचर के पढ़ाने से नहीं बारह घंटे का लेक्चर का जो मैराथन तुम देख रहे हो बारह घंटे तुमने दो साल की ऑफलाइन कोचिंग में उस चैप्टर को नहीं दिए बारह घंटे का मैराथन करूंगा कॉमन सेंस है प्लस टाइम नहीं है अब मैं बताता हूं इस वीडियो में मैं बात करूंगा तीन पिलर्स के ऊपर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और रिवीजन अगर आप परंपरा प्रतिष्ठान अनुशासन इन तीनों को ढंग से निपटा गए हर चीज पॉसिबल है परसेंटाइल कितनी आएगी वो वीडियो से देख के डिटरमिन नहीं होती है कोई स्ट्रेटेजी नाइनटी नाइन स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजी नहीं होती है एग्जीक्यूशन नाइनटी नाइन परसेंटाइल वाली होनी चाहिए क्या बात है नाइनटी नाइन परसेंट स्ट्रेटेजी नहीं नाइनटी नाइन परसेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करो समझ में आई बात तो प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देने हैं रिवीजन करनी है और ये लूप डेली रिपीट होनी चाहिए डेली मुश्किल होता होते है कि एक बार पर कोशिश करनी हफ्ते में रिपीट होगी होगी ऐसा नहीं पहले मैं करूंगा प्रैक्टिस फिर मैं करूंगा मॉक टेस्ट फिर मैं दूंगा रिवीजन इतने में पेपर आ जाता है यहां तक ही नहीं एवरी वीक दिस हैज टू तो बी डन प्रैक्टिस पे बात करते हैं और प्रैक्टिस का मतलब बच्चों नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स नहीं है यूट्यूब पे बैठना नहीं है प्रैक्टिस बोले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है से हमारी मार्क्स की डायलॉग है ना पढ़ो चाहे कहीं से प्रैक्टिस करो मार्क्स ऐप पे ही वही काम आपको अपने जीवन में आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो यार ये कोई वीडियो किसी भी प्रमोशन के लिए नहीं है आप जहां से भी पढ़ो हमारा सिंपल टारगेट है क्वेश्चन सोल्व करो भाई रैंक उसी में है कंप्लीटिंग चैप्टर इज नॉट इक्वल टू कंप्लीटिंग इट्स थ्योरी थ्योरी कुछ नहीं होती यार क्या है थ्योरी क्या है थ्योरी फिजिक्स <coughs> और केमिस्ट्री में फिर भी है मान लेता हूं चलो कई पर अब जो फिजिकल है फिजिकल में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे थ्योरी पढ़ के क्या कर लोगे इनऑर्गेनिक है हाँ इनऑर्गेनिक को भी पर अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करो ना सबसे जल्दी रिवाइज होती है और जल्दी याद होती है फिजिक्स में भी कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं बट सारे क्या थ्योरेटिकल आ रहे हैं कई बच्चे कहते हैं सर पर फिजिक्स तो थ्योरेटिकल आ रही है बिल्कुल सही बात है आ रही है थ्योरेटिकल पर क्या जरूरी है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकली सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहो अरे भाई बेसिक क्वेश्चन सोल्व करो थ्योरी ज्यादा देर तक रिवाइज रहती है फिशियंट क्वेश्चन एंड डू नॉट वेस्ट टाइम इन डूइंग टू मेनी थ्योरी प्रॉब्लम देखो थे तो और वो कितने पन्नों में कवर्ड है हर चैप्टर दो या तीन पन्नों की थ्योरी में कवर हो जाता है उतनी ही थ्योरिटिकल है वो। उससे आराम से सत्तर अस्सी नंबर की थ्योरी कवर हो जाती है इक्का दुख का आएगा जो कहोगे सर ये तो सिर्फ एनसीआर में वो यार मैक्सिमम से मैक्सिमम दो सवाल आएंगे बट जितना लेवल आ रहा है पेपर का वो आराम से नब्बे थ्योरी में लिखा हुआ है वो दो तीन पेज की थ्योरी में अब ये आपके ऊपर आप उसके ऊपर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको थ्योरी की इंप्लीमेंटेशन आएगी ही नहीं सिंपल सी बात तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं सफिशियंट क्वेश्चन सोल्व करने हैं थ्योरी वीडियोज भी देखनी है दे आर इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सी दे आर नॉट इम्पोर्टेंट दे आर इंपॉर्टेंट बट आप बारह बारह घंटे बैठे हुए हो दिन का टारगेट है आज तो ये वीडियो लेक्चर खत्म करना है अरे भाई टारगेट होना चाहिए आज इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम खत्म करने हैं दैट शुड बी दी टारगेट दूसरा आ जाओ ड्रॉप कैजुअल एटीट्यूड हम भी कर लेंगे अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन सी किताब सॉल्व करें संगेज करें अरियंत करें ये करें और फिर लगता है अभी तो टाइम है हम भी कर लेंगे है ना हम भी कर लेंगे लगता है आ जाओ ये देख के दिमाग घूम जाएगा आपके पास दस हजार नौ सो बीस क्वेश्चन है दो हजार उन्नीस से दो हजार पच्चीस तो चलो जो डाल दिया टीम ने दो हजार चौबीस तक है ना दो हजार चौबीस के छह साल में दस हजार नौ सौ समथिंग का सवाल डिवाइड बाय वन फिफ्टी कर दो और डिवाइड बाय सेवन कर दो तो तकरीबन सात सौ की फिगर बनती है मैं तो कह रहा हूं पांच सौ क्वेश्चन पर वीक है तुम क्या पांच सौ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो बताओ जरा कमेंट में मुझे कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं वीकली लेवल तो अगर आप कहते हैं कि मैं तो सर किताब सोल्व करूंगा ये तो तुम्हें समझ में आता है कि तो खत्म नहीं हो सकते पांच सौ क्वेश्चन वीकली सोल्व करने पड़ेंगे क्या तुम्हारी स्पीड है इतनी कहू की होगी बट ऑब्बियसली बात है जो जगत यूट्यूब पर बैठा है उसकी नहीं है मेजरली नाइनटी परसेंट ऑडियंस की तो जाग जाओ भाई अब छोड़ दो किताबों का मोह संगेज हो कुछ भी हो टॉपर किताब हो टॉपर किताब में नहीं है भाई यहीं पर मेहनत छुपी है कर लो इसे कब करोगे पेपर होने के बाद नहीं ठीक है तो स्टार्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो अभी वो इससे अगर ज्यादा है तब किताब की बात पर उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है डोंट बी ओवर स्मार्ट कई लोग बनते हैं सर हमें तो एक भैया दीदी मिले जो बताते हैं ये चैप्टर कर लो तो

बाजे बज गए तुम्हारे केमिस्ट्री देखो जो बच्चे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ढंग से नहीं करके गए थे 2024 में उनके तो खैर सबके बाजे बजे सात सवाल ठीक है हाइड्रोकार्बन देखो हाइड्रोकार्बन अभी तक एक एक सवाल आया एकदम से उनतीस तारीख के शिफ्ट में पांच सवाल क्या करोगे ऐसे पेपर का हम आपको एवरेज स्टेट से बता देते हैं कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट वी कैन नॉट टेल यू है क्योंकि शिफ्ट इतनी ज्यादा होती है कि उस शिफ्ट में क्या शिफ्ट था था, में तीन सवाल आ गए ऐसे बहुत सारे तो गलत नहीं है जितने ज्यादा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो चाहे बेसिक लेवल पे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यहां पर सवाल टफ नहीं आए ये जो पांच आए तो अगर आप बेसिक भी निकाल के लेके जाते तो पांच में से चार या तीन सवाल निकाल लेते अब छोड़ के चले जाओगे तो वो पांच के पांच गायब हो गए और अभी टाइम है देखो अगर 90 डेज बचेंगे ना जब तो मैं फिर खुद वीडियो बना रहा आऊंगा ये चैप्टर मत करो क्योंकि उस चैप्टर को इनपुट देना पड़ेगा उतना देर पढ़ना पड़ेगा तभी वो आप मिनिमम क्वांटिटी सॉल्व कर पाओगे बट अभी 150 देने बेसिक लेवल पे अभी करा जा सकता है तो अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीछे मत भागो मैं शायद यही दूंगा

उसमें इजी बकेट का नाम हमने रखा हुआ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कंसेप्चुअल उसे प्रैक्टिस कर लो तो बेसिक लेवल पे आपकी प्रैक्टिस हो गई जब कोर्स ट्वेल्थ का खत्म हो जाएगा तब हम मीडियम लेवल के सवाल करेंगे जिससे आपका जो सिलेबस कंप्लीशन है बच्चों वो हंड्रेड नहीं होगा बट बेसिक लेवल पे हंड्रेड हो जाएगा जिससे अगर आसान सवाल आया जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं कई कई बार तो आप निकाल लोगे ये करना है इतना कर सकते हो ज्यादा चीज नहीं पूछ रहे और इजी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं करने अगर आप उस वीक के टारगेट में तीस सवाल भी कर गए जॉब डन इट्स दैट सिंपल तो इसलिए मूव ऑन गएर भाई प्लीज रैंडम पढ़ाई बंद कर दो पूछा पाछी बंद कर दो कर सकता हूं करें या ना करें भाई करना ड्रॉप किस लिए लिया है सवाल पूछने के लिए ड्रॉप लिया था क्या वो तो पहले करना चाहिए था ना ड्रॉप करने से पहले ड्रॉप लिया गया था पढ़ाई करके एग्जीक्यूशन करने के लिए सवाल पूछने के लिए नहीं कैसे करूंगा आ सकती है क्या अबे तू डाउटफुल है तो डाउट क्यों लिया सिंपल है ना बात करना है तो प्लीज टारगेट वन चैप्टर पर सब्जेक्ट पर वीक ये मिनिमम सॉल्यूशन देखे बिना रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो कोई फायदा नहीं होने वाला अगेन आई रिपीट इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें वो अच्छा नहीं है और वो तो बेस्ट पढ़ा रहा है वो शायद बेस्ट लेक्चर है ड्रॉपर हो तो तुम्हें अकल में आ गया होगा बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाके बेस्ट टीचर से पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं बनता है तो रिजल्ट बनता है तुम्हारी पढ़ाई से जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ में आगे निकल जाओगे नहीं तो वही चक्री पिसती रहेगी पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग एंड कमिटमेंट टू टाइम वेन आई से कमिटमेंट टूवर्ड्स टाइम सुबह छह बजे उठना है तो उठना है डिले डेली नहीं है सर आज मूड नहीं था सर आज ठंड लग गई आज गर्मी लग गई नहीं भाई छह बजे उठना है तो उठना है इतना काम करना है तो करना है सोमवार कोई पार्टी नहीं हो रही बात कॉलेज में दोस्त एंजॉय कर रहे हैं करने दो है, तो तुमने ड्रॉप ये देखने के लिए नहीं लिया कि वो कैसे एंजॉय कर रहा है तुमने पढ़ने के लिए ड्रॉप लिया जिससे अगले साल तुम भी वही एंजॉयमेंट बल्कि उससे बेटर एंजॉयमेंट कर पाओ कमिटमेंट टू टाइम ठीक है जी स्टार्ट वर्किंग हार्डर हार्डर एंड दैट्स यू हैव टू डू इसमें एक चीज मैं और रिपीट करना चाहूंगा बच्चों तुम्हारे लिए यार ये जो रेंडम चक्री है ना जहां पर हम मॉनिटर नहीं करते हैं अपने आप को आपको हर समय अपने आप को हर वीक में मॉनिटर करना है आओ मैं बताऊंगा इस पे बात चलो आओ पहले दूसरे स्तंभ पे चलते हैं दूसरे पिलर पे चलते हैं मॉक टेस्ट पर मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है सर अब इसको ऐसे समझो आप अगर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाते हो आप बॉक्सिंग में जाते हो क्या आप बॉक्सिंग की रिंग में सीधा कंपटीशन में उतर जाओगे पहले दिन क्या करा जाता है प्रैक्टिस करी जाती है आप क्रिकेट में आईपीएल लेवल पे खेलना चाहते हो इंडियन लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो तो क्या बस सीधा वीडियो देखी और सीधा तुम्हें नेशनल टीम में सेलेक्ट कर देंगे नहीं करेंगे क्या करोगे आप पहले क्या करोगे स्टेट लेवल के लिए खेलोगे बहुत सारे जो कॉलेज के कॉम्पिटिशन होते हैं इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें खेलोगे स्टेट लेवल पे रंजी खेलोगे बॉक्सिंग करना चाहते हो तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करोगे पहले बैग लगाओगे बीन बैग पिंच करोगे फिर क्या करोगे फाइट सेटअप स्टिमुलेट करोगे रियल फाइटर से फाइट करोगे तब उतरोगे ना मैदान में तो ये भी तो वही कह रहे हैं हम लोग हम कौन सा कह रहे हैं मॉक को फाइनल मान लो हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि झटका खान खाने के लिए सीधा आखिरी वाले दिन झटका खाने के लिए भेज दो सीधा

यहाँ प्रैक्टिस होगी कि हाउ टू परफॉर्म जब तो पता है कि यार टिक 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 टाइमर चल रहा है ऊपर पहली परफॉर्मेंसेस खराब होंगी नहीं कर पाएंगे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आता था पर नहीं हो पा रहा है कितने लोगों को लगता है आता था पर नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है यार वो टाइम के अंदर जब बात होती है ना तो पेपर में आसान सवाल भी टफ बन जाता है वो प्रैक्टिस करनी है हमें फिर फाइंडिंग इजी एंड मॉडरेट हम बोलते हैं ना ये तो आसान क्वेश्चन था ये तो टफ क्वेश्चन था अरे भाई वो तुम्हारे लिए इजी या तुम्हारे लिए टफ अलग हो सकता है उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो ये मेट्रिक समझ पाओगे पर नहीं मैं तो आखिरी वाले दिन जाके करूंगा मैं तो बॉर्न हूं गॉड गिफ्टेड हूं आजकल जो हम माचोगिरी देख रहे हैं ना बड़ी सारी वेब सीरीज देख के कई बार लगता है अहम ब्रह्मासमी मैं ही भगवान हूं वो नहीं होता है भाई पेपर में रियल लाइफ बड़ी अलग है ठीक है तो टेस्ट एक्चुअली में कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर स्पीड और एक्यूरेसी स्पीड और एक्यूरेसी असाइनमेंट देख के सॉल्व नहीं होती है न, टेस्ट से इंप्रूव होती है टेस्ट में ही स्पीड की भावना आती है और जब स्पीड में हम सोल्व करते हैं तभी तो एक्यूरेसी खराब होती है तो यार तो इंटर टून है ना स्पीड एंड एक्यूरेसी पहले खराब होंगी पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे इंप्रूव हो जाएंगे स्कोर नहीं देखना है आज अगर स्कोर खराब आया तो उससे क्या वो कहीं अखबार पे छपा पर अगर तुम्हारा आखिरी दिन अच्छा स्कोर आया तो जगह जगह तुम्हारी फोटो छपेगी यार ऐसा सोचो ना तो वो तुम्हारे ऊपर है तुम इस बात को समझ पाते हो मेच्योरिटी है तुम्हारे अंदर इतनी है नहीं तो मैं तुम्हें एक चैलेंज दू प्रॉमिस करोगे मुझे कॉमेंट में बताओगे देना देना भी दो यार कहीं से भी दो, दो। मार्क्स पे देना है, वो दे दो। तुम्हारे पास जो भी है यार आप अपने कोचिंग का दे दो पर हफ्ते में एक तो दो प्रिपेयर्ड नहीं हूं कोई नहीं मॉक दूंगा पता तो चलेगा कितना प्रिपेयर्ड हूं पता तुम्हें है तुमने चालीस परसेंट प्रिपेयर करिए एटलीस्ट मैं कहता हूं साठ परसेंट के लिए मत टेंशन लो चालीस परसेंट जो बोल रहे हो वो आ रहा है वो आता है नहीं आता है मान लो दर्द तो यही है वो चालीस परसेंट मार्क्स भी नहीं आएंगे पता तो चलेगा उस चालीस परसेंट में भी मुझे क्या नहीं आता था तभी तो तरक्की होगी ठीक आइए रिविजन तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पिलर मम्मी कहते मम्मी पापा कहते ना बदाम खा ले बच्चे बदाम खा ले अरे भाई बदाम खाने से मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है रिवीजन करने से होती है पेपर वाली रिवीजन पेपर मतलब पेपर वाली मेमोरी स्ट्रांग बादाम खाने से होती है ठीक है मान लिया पर भैया बादाम खाते रहोगे बादाम खाते रहोगे गर्मी हो जाएगी रिवीजन करनी पड़ेगी ना मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए ठीक है जोक्स अ हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं आइडली रिविजन शुड बी डन ऑन अ डेली बेसिस मतलब आपने दिन में जितना भी पढ़ाई करी यार पंद्रह मिनट बेड पे जाने से पहले आंख बंद करो या कॉपी सामने रखो और जल्दी जल्दी बस पेन पेपर पे नहीं दिमाग में फोटो की तरह याद करना है हाँ ये करा था ये करा था इसमें ये करा था इसमें ये करा था इसमें, करा था, इसमें सर ने ये बताया था अगर वीडियो लेक्चर है अगर क्वेश्चन सॉल्व करा था हाँ मैं इस क्वेश्चन में यहाँ अटका था अच्छा हाँ यार यहाँ पर ना ए वन प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर फोर वाला फॉर्मला यूज होता है इसमें एक्स e की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वाला फॉमला यूज होता है लिमिट होती है बस वो याद करना है कितनी टाइम लग रही है दस सेकेंड दस सेकंड दस सेकेंड पंद्रह मिनट की एक इफेक्टिव रिविजन बिलीव मी बच्चों आपको यहाँ से ऊपर के लेवल पर ले जाएगा आपका टारगेट ग्रुप ही चेंज कर देगा स्टार्ट डूइंग इट जितना जल्दी करोगे उतना तेजी से आपका रिजल्ट बनना शुरू होगा अगर डेली नहीं है तो हफ्ते में एक बार तो स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम स्ट्रैटेजी नहीं एग्जीक्यूशन देखा गलती हम एक घंटे का संडे को रिवीजन टाइम देंगे ही देंगे तो तीन पिलर्स बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन अगर आप ये नहीं कर रहे हो वीडियोस देखते रहो देख ही रहे हो ये वीडियो बैठ के नंबर नहीं बनेंगे फिर जनवरी में भी देखोगे अभी तो कैसे हर महीने देखोगे क्यों देखनी है क्यों झटके का वेट करना है कि भाई मैं आपको एक सिंपल एक बहुत सिंपल सा डायलॉग बताता हूं सो so, <coughs> मैं हार्ट डॉक्टर को दिखाने गया और जनरली मेरा बीपी हायर साइड पे रहता है him, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट शुड आई स्टार्ट बीपी मेडिकेशन वेरी हाई एफ आई डॉक्टर वेदांता में गया मैं दिखाने वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ठीक है डॉक्टर त्रिहान सो ही टोल्ड मी वन थिंग यार क्या तुम वो झटके का वेट कर रहे हो उसके बाद गोली खाओगे क्योंकि उस सन जिस दिन झटका आया उस समय के बाद समय होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता तो बेटर है ना प्रॉबिलिटी उस झटके की कम कर लो दवाई खा लो द सेम इज द केस विद यू गायस झटके की प्रोबेबिलिटी कम रखिए रैंडम पढ़ाई करने से झटके की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो बहुत सारे बच्चे पिछले साल जनवरी में झटका खा के इतना डिवस्टेटेड हो गए थे कि उन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट छोड़ दिया मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है इर ऑफ मार्क्स हमारा टारगेट सिर्फ उन बच्चों से बात करना यही है जिनका निन्यानवे परसेंटाइज आएगा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है और ये मैं दिल से मानता हूं बिकॉज मैं कभी आज जीवन में टॉपर नहीं रहा हूं पर फिर भी लाइफ में बहुत आगे निकल गया हो टॉपर नहीं पर टॉप कॉलेज में टॉप बच्चों के साथ पढ़ के उसके लिए मैं जानता हूं कि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर एक एवरेज स्टूडेंट भी वो कर सकता है तो झटके की टेंडेंसी कम करिए लाइफ में तो अब क्या करें सर वो बता दीजिए बस जाने से पहले सिंपल है थिंक प्लान एग्जीक्यूट अभी थोड़ा इस वीडियो के बाद आज प्लीज आई रिक्वेस्ट आधा घंटा सोचो मैंने क्या बोला डज इट मेक सेंस टू यू गाइस और जितना बड़ा बड़ा जैसे होता जा रहा है ना उसी ऑर्डर में करना है काम तुम क्या करते हो उल्टा ऑर्डर तुम ज्यादा से ज्यादा देर सोचते रहते हो डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग फिर थोड़ा सा दिमाग चलता है तो प्लान करते हो और फिर उतना ही थोड़ा एग्जीक्यूट तुम्हारा ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है इसी ऑर्डर में काम होना है प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू एग्जीक्यूशन करना है तो आज आप बैठ के पहले सोच लो अपने हिसाब से अपना सबको पता होता है कितने पानी में है उसी हिसाब से अब हम एक वीक की स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको पेन पेपर पे लिख लो और परफेक्शन की टारगेट मत करो कई कई बार क्या होता है जब हम प्लान एग्जीक्यूशन का बनाते हैं तो फॉलो नहीं होता है अभी किसी का प्लान फॉलो नहीं होता है टारगेट है अगर आप अस्सी परसेंट भी फॉलो कर गए बहुत बढ़िया कर गए लाइफ में सो डू नॉट प्लान फॉर परफेक्शन डू नॉट टारगेट फॉर परफेक्ट स्कोर डू नॉट टारगेट परफेक्ट नॉलेज कुछ नहीं होता ये सब मिथ है एग्जीक्यूट करो गलतियां होंगी फेलियर्स होंगे बीच में लूपहोल्स होंगे चलता रहेगा काम बट मुझे अब तुमसे क्या चाहिए चेक योर प्रोग्रेस एवरी संडे हर संडे हम अगले संडे तक का शेड्यूल बनाएंगे और इस हफ्ते हमने कितना एग्जीक्यूट कर पाया क्या कमियां रही मेरी या अगर हम मॉनिटर ही नहीं करेंगे अपने आप को वीकली लेवल पे जो मैं पहले भी बोल रहा था आपको प्रैक्टिस में मैं कहा जा रहा हूं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं वेवर्ड जा रहा हूं अब तुम एक काम ये कर सकते तो तुम वेवर्ड पढ़ते रहो ठीक है और जब झटका लगे तब रियलाइज करो या उससे पंद्रह दिन पहले अगर मान लो आप दिसंबर के एंड तक ये आपके रियालाइज तो कर दी तो यार बीस दिन में क्या उखाड़ लोगे अभी एक दिन है ना हर हफ्ते अपने आप को मॉनिटर करो गलतियां सबसे होंगी गलतियों से मत घबराओ एक्सेप्ट करो मैंने गलती करी वो लिखो और पेपर पे जब अभी क्या होता है ना हम ह्यूमंस अपनी गलती नहीं मानते तुमने देखा होगा ना किसी को सॉरी बोलने में कितना दुख होता है अंदर से, है ना? अरे भाई गलती को एक्सेप्ट करो गलती को एक्सेप्ट करोगे लिखोगे ना बिलीव मी साइकोलॉजिकल होता है कि हम उसको कम करते हैं क्योंकि तो गिल्ट फीलिंग होनी शुरू हो जाती है पहले ही पकड़ में आ जाती है गलती ये चेक एवरी संडे लगाना तो तुम्हारे लिए संडे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना है जहां तुम्हें रिव्यू करना है तुमने इस हफ्ते में क्या करा और अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी है और कोशिश करो इस प्रोसेस को जितना मिड में भी अगर वेटने से बैठ के चेक कर पाओ करो स्पेशली ड्रॉपर स्पेशम्युनिटी तुम सबसे ज्यादा वेवर्ड पढ़ाई कर रहे हो डू नॉट वेट फॉर द शॉक आई वुड लव टू एंड ऑन दिस बिकॉज आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया शॉक के लिए वेट नहीं करना है हमें स्कोर चाहिए हमें क्या करना है पेपर फोड़ना है यस yes. That's the spirit. So I hope this video helps you. Give a good thought to it and it helps you give a pointer towards the right direction. Say Tarikeda socho plan banao or bhari bharkam execution karo. That's the idea. take Hope this helps again and keep working hard. And I believe every one of you there can do it. Don't ask. Just do it. take God bless. Bye bye.